भारतीय जनता पार्टी के एक साल पूरे होने के बाद श्वेत मलिक ने गिनाई अपनी उपलब्धियां। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अगर कोरोना वायरस पर आज हमने जीत हासिल की है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है मोदी का। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत से बढ़िया काम देश के हित के लिए किए गए हैं, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना और अब कोरोना वायरस पर जीत हासिल करना है। देश दे विच ये मोदी सरकार की जिहड़ी पहले साल दिया उपलब्धियां ने दूसरे कार्यकाल दिया उहदे बारे जानकारी दे रहे हैं कि ये कार्यकाल एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा जिहदे विच के देश के जिहड़े बहुत लंबित निर्णय सी बड़े कमजोर कांग्रेस की सरकार करके दशकों तो जिहड़े निर्णय लटके हुए सी उह निर्णय लिते ने जिहदे विच के सब तो पहले धारा 370 जिहड़ी वक्खवादी धारा सीगी और कश्मीर आतंकवाद की जन्नी सी वह धारा खत्म करता और जम्मू कश्मीर और अज लेह लद्दाख जोड़ा वो यूनियन टेरेटरीज बनिया ने और नैशनल कॉन्फ्रेंस PDP हुरियत कॉन्फ्रेंस और जिन्हिया भी वक्खवादी संगठन से कांग्रेसी वो जी कि आतंकवादियों किसी ना किसी समय से कांग्रेस की कमजोर नीति रही उन्होंने अज नकेल पई है और जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की शांति की स्थापना हुई है। दूसरा ट्रिपल तलाक जिहड़ा कि महिलावां ते एक बड़ा वड्डा जुल्म सीगा, महिलावां ते अत्याचार सी, वह ट्रिपल तलाक वर्गी धारा जिहड़ी है वह खत्म की है कि अज महिलावां नूं कोई ट्रिपल तलाक दे के अपने घर तो नहीं कढ सकदा, जे कोई ऐसा करेगा तो उहदे लई दंड का प्रावधान है। उस तों बाद नागरिकता संशोधन कानून है, मोदी जी दूरदर्शिता बुद्धिमता के नाल अज करोना का नुकसान सब तो घट भारत के विच होया कि भारत जिहड़ा बहुत वड्डी जनसंख्या का देश है, 133 करोड़ देशवासी ने, उहदे लॉकडाउन करके गाइडलाइनस दे के मोदी जी हमेशा देशवासियों नूं अवेयर और अलर्ट करते रहे जिहदे नाल कि अज देश दे विच लोग करोना नाल लड़ना सीख गए ने और उहदे नाल हुण राहतां जिहड़ियां दित्तियां जा रहियां ने। 80 करोड़ देशवासियों नूं 25 किलो गेहूं और 5 किलो दाल दिती गई, 20 करोड़ महिलावां दे खाते 3 किस्तां 500 रुपए जमा, 1500 रुपए जमा कराए गए और करोड़ां दिव्यांगा और बुजुर्गों को 1000 रुपए की पेंशन दिती गई और 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज दे के आत्मनिर्भर भारत बनाने का जिहड़ा पैकेज है कि असी इस क्राइसिस चो भी जिहड़ी है ओपरचुनिटी नूं कढ़ना है और एक नवे भारत का निर्माण करना है, जिहड़ा आतंकवाद मुक्त भारत होएगा, जिहड़ा भ्रष्टाचार मुक्त भारत होएगा, जिहड़ा जातिवाद मुक्त भारत होएगा, साम्राज्यवाद मुक्त भारत होएगा, गंदगी मुक्त भारत होएगा और कांग्रेस मुक्त भारत होएगा। गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।